हाँ जी अंकल जी नमस्ते, क्या नाम आपका? ओम प्रकाश। ओम प्रकाश जी कहाँ रहते हो, ये कब से मेहनत कर रहे हो? करीब 25-30 साल हो गया। तो इसी बात पे जोर से बोलो जय भोले की। जय भोले। अगर बर्थडे नहीं होता तो नहीं लेते मेरे से पैसे? नहीं। अच्छा इतनी ईमानदारी। आप 1000 रुपया भी देते तो नहीं लेते। 2000 देता तो? नहीं। 5000? कुछ भी देते नहीं लेते। और लास्ट 20000 रुपए देता तो? कुछ भी नहीं लेते, क्योंकि ये सर ये हुआ कर्ज, ये हम आपको इनका दुआ दे दिए ना आपको। क्या बात है आपका, आपका न कर्ज मेरे ऊपर रहा न मेरा कर्ज आपके ऊपर। क्या बात है, जबकि स्टैंड डला हुआ था। अच्छा 8% है, 3 स्टैंड डला हुआ। अच्छा हाँ जी अंकल जी नमस्ते, क्या नाम आपका? ओम प्रकाश। ओम प्रकाश जी कहाँ रहते हो? तिलक नगर चौधरी। ये कब से मेहनत कर रहे हो? करीब 25-30 साल हो गया। तो इसी बात पे जोर से बोलो जय भोले की। जय भोले। आज मेरा बर्थडे है, आपने मेरे को पहले क्यों मना किया? पहले ये बताओ, मैंने आपको पीछे पैसे पकड़ाए, मैंने आपको बोला कि मेरा बर्थडे। सर बात ये ना, बर्थडे कहते ना। हाँ आप 1 रुपया भी देते ना सर, हम रख देते। अच्छा अगर मैं कहता मेरा बर्थडे नहीं है तो? सर अगर मैं कहता मेरा बर्थडे नहीं है तो? हम नहीं लेते सर। नहीं लेते? इसलिए नहीं लेते सर, मेहनत से अगर 1 रुपया खाते हैं तो अभी तक शरीर है, मेहनत करना। क्योंकि मैंने आपको, मैंने आपको 10 बार बोला, मैंने कहा अंकल जी ये तोहफा ले लो। नहीं नहीं सर, ये तोहफा ले लो। बात ये बर्थडे के नाम पर ढोला कुआं में भी जो बर्थडे के नाम पर 200-500 दे देते हैं हमको बुला करके, वहाँ सेक्टर 2 पर भी। अच्छा। हमको 500-500 रुपया दिए कि बर्थडे है लड़की भी का भी, हम सदा। अगर बर्थडे नहीं होता तो नहीं लेते मेरे से पैसे? नहीं सर। अच्छा इतनी ईमानदारी। आप 1000 रुपया भी देते तो नहीं लेते। 2000 देता तो? नहीं। 5000? कुछ भी देते नहीं लेते। और लास्ट 20000 रुपए देता तो? कुछ भी नहीं लेते, क्योंकि ये सर देखिए ये हुआ कर्ज, ये हम आपको इनका दुआ दे दिए ना आपको सदिए। क्या बात है, आपका आपका न कर्ज मेरे ऊपर रहा न मेरा कर्ज रहा आपके ऊपर। क्या बात है, जबकि स्टैंड डला हुआ सर। अच्छा 8% है, 3 स्टैंड डला हुआ। अच्छा फिर भी मेहनत करते हैं। अरे आपकी मेहनत को सलाम है। आपकी ये जो आपने मेरे को एक प्यारा सा मैसेज दिया है ना कि आपको इतनी प्रॉब्लम है उसके बाद भी आप मेहनत कर रहे हो, तो ये मैसेज तो आप लोगों को दिया करो, जो लोग भीख मांगते हैं वो भीख मांगना छोड़ देंगे। आदत से मजबूर, आदत से मजबूर। अब वो एम आया, असली में ही तेरा नहीं होगा, अब मांगता है, उसका एक पैसा धंधा बना रखा है कि नहीं सर? ये क्या हमारे देश में इतनी संख्या बढ़ती जा रही है भीख मांगने वालों की, वो कम नहीं हो रही, बढ़ रही है। जी सर, देखिए मेहनत में बरकत है सर। देखिए आप 10 रुपया अगर हमको देते हैं तो हम खुश हो जाते हैं, क्योंकि हमारी मेहनत की कमाई, हम बाल बच्चा में मिल करके खाते हैं। क्या बात है, क्या बात। ये एक हमको 500 रुपया दिए, देख लीजिए वो कहा अंकल हमको आज बर्थडे है आप ले लीजिए, वो क्या किए, एक लड़की का शादी था समझ के हम उसको सगन में दे दिए। देखिए कहाँ का पैसा कहाँ पहुँच गया, उसी रोज हमको इन्वाइट आया, हम सगन में वही 500 लिफाफा में डाल करके 5 रुपया का लिफाफा खरीदे 500 रुपया। लेकिन एक बात अंकल जी आपकी अच्छी लगी कि आपको मैं 10000 भी अगर मैं इनाम में दूं तो नहीं लोगे आप? नहीं सर, मेहनत का लोगे बस। कितने की भोले बाबा की मूर्ति? 380 का। और छोटे वाले कितने की है? 220 का। और उससे छोटे वाले कितने की है? ये बस सब एक ही साइज का। अच्छा तो बेटा 500 रुपए निकालो, हम आपको उसी समय क्या कहते सर, आपने मना कर दिया, कुछ नहीं लीजिएगा, हम ये ले नहीं सकते। क्या सर आप लोगों का, सर देखिए सामान लेकर के आप जो भी दे दीजिए, आप जो भी दे दीजिए, हम तो आपको जो हम आपको दुआ दिए है ना सर। हाँ जी बहुत आप खुशहाल रहिएगा, आपको कोई प्रकार का प्रॉब्लम नहीं होगा, ये हमारे दिल का दुआ है। धन्यवाद अंकल जी, समझे कि ऊपर वाले के थ्रू आपने यहाँ पर रोके हमारा दुआ ले लिया। आई लव यू सो मच। 72 साल का उम्र है, अब जोर से बोलेंगे जय भोले की। अंकल जी ये लो 500 रुपए। कौन सा चाहिए सर? सबसे छोटे वाले। ये बहुत सदा खुश रहिए, बहुत प्यारे लग रहे हैं। दुआ हैप्पी बर्थडे टू यू। थैंक यू सो मच। हमेशा मुस्कुराते रहिए, चेहरा पर नूर रहे, बस हम आप भगवान से भोले बाबा से यही दुआ करते हैं जी, कि हमारे बाप को बहुत खुश रखे, सदा किसी प्रकार का प्रॉब्लम नहीं आए, सारा दुख हम पर आ जाए। अरे नहीं, नहीं हमारे बाल बच्चा सर
अब हमारा क्या है 72 साल उम्र हो गया जी जी। हाँ सर 72 साल उम्र हो गया जी। अब क्या है, अब आप लोगों का सारा पुण्य प्रताप दे के जाएंगे। सही बात है, चलिए सदा खुश रहिए, मेहनत करते रहिए अंकल, हार मत मानना। कहाँ हारते, देखिए 3 स्टैंड जिसको डाला रहेगा, आप उसके बाद भी मेहनत करते हैं इतना धूप में। और डेली का कितना कमा लेते हो आप? सर वही भी लेते हैं, शरीर के हिसाब से उतना भाग दौड़ नहीं करते, फिर भी 500 कभी 200 कभी 300 मतलब दाल सब्जी का हो जाता है। क्या वाइफ क्या करती है सो पता है, मजबूरी हम आपको से क्या छिपाना, झाड़ू जाकर कोठुओं में काम करती है। आओ एक सामान दूं आपको, आओ पीछे सामान देता हूँ, उठा का काम करती है। आजो, आजो। तो उसमें दो लड़की है, एक लड़का को सिखाए हुए है, ये चावल है ये चाय पत्ती है, ये बेसन है, इसमें डाल लो, पहले में डाल लो, ये जितने भी मेरे को मेहनती लोग मिलते हैं ना, जितने भी लोग मेरे को मिलते हैं ये सबके लिए सामान रखा हुआ गाड़ी में मैंने। चलिए सब ऊपर वाला का एक ही रास्ता लगा रखा है जी। देखिए बहुत से आदमी है, मेरी गाड़ी कभी खाली नहीं रहती अंकल। नहीं सर, मेरी गाड़ी में कोल्ड ड्रिंक पड़ी है तो उनके लिए जो मेहनत कर रहे हैं, मेरी गाड़ी में जो राशन पड़ा है जो मेहनत कर रहे हैं सर, आपको कभी कोई का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। एक है धोलापुआ में, वो रोटी हम लोग हमको आकर के होटल से पैक करा करके देते थे, क्या बात है, केला बांटते थे। अच्छा जी, पहले धोलापुआ लालबत्ती था वहाँ पर काम करते थे। डालो डालो डालो, सब डालो अंकल के लिए, दे दो अंकल, रस वगैरह सब डाल दिए। नमस्ते नमस्ते, ठीक हो, क्या नाम आपका? रंजीत नाम है सर। क्या करते हो? बस यही चलाता, क्या चलाते हो? ये कबाड़े का काम, कबाड़े का काम करते हो? भैया काम करता हूँ। अच्छा, वीडियो लाइक करता हूँ, वीडियो भी देखता। अच्छा, भैया को सामान दो। नहीं नीचे में, नहीं नहीं ये मेरा बर्थडे है, दो लो। चलिए सदा खुश रहिए, भैया आ गए, भैया को भी दो। क्या नाम है भैया? मेरा अब्दुल। अच्छा अब्दुल जी, लो लो भैया आप भी ले जाओ। फेसबुक से लेके यूट्यूब तक छारा, वो है हमारा तेलगा भाई, करता है केयर, दे दो तुम देयर, कॉमन नहीं ये तो बंदा है रेयर, दिल्ली का लौंडा ये सबसे अलग है। तेल का मचाता है ये, तेल का मचाए।